मेरा पैसा दो आप। क्यों देंगे पैसा हम? क्यों नहीं दोगे? मेरा पैसा झगड़ा किया सब सारा खराब लगता तुम किए सारा हम ही करते हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। गुड मॉर्निंग पति देव। गुड मॉर्निंग पत्नी महारानी। बहुत बढ़िया। हम ये बोलने आए थे आप जल्दी से स्नान करो। इतना जल्दी? हाँ, क्योंकि लाइट नहीं रहेगा आज, फिर चापाकल चला 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 के नहाना। लाइट की भी ऐसी की तैसी, इतना लाइन काट रहा है आजकल तक। और ये जब तक सुबह मोबाइल ना चलाया जाए कम से कम 10 से 15 मिनट, तब तक लगता है सुबह हुई नहीं है। नहीं, नींद तब तक खुलता नहीं है पूरा। वाह, जैसे मोबाइल चलाते हैं लगता है नींद कम्प्लीट हो गया है। तो आप उठो जल्दी से, आ जाओ नहाने के लिए। कोई बात नहीं, लाइट चले भी जाएगा, ट्यूबवेल है। हाँ, तो कसरत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना कपड़ा खुद धो लेना। अलग बात है कि हम आज धोएंगे कि कल धोएंगे, लेकिन धो जरूर लेंगे। बहुत बड़ी याद नहीं है, 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन हमको याद नहीं है कि आप अपना कपड़ा कब धोए। हम धोए वही जब झगड़ा होता है तब बोलते हम अपना कपड़ा खुद धो लेंगे, लेकिन कितना दिन धोते हो? हम धो लेते हैं ना, तुम कह रही थी धोया ही नहीं है। धोए पानी में डुबा के रख देते, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको धो लेना? ज्यादा गंदा होगा तो मेहनत तो हम ही को करना होगा दूसरे दिन। में डुबा के आप ना हर हमेशा मेरा रिकॉर्ड कर लेते हो कि हम गुस्सा कर रही है कर रहे, इस बार हम रिकॉर्ड करके रखे हैं। तो हम गुस्सा कर ही नहीं रहे। गुस्सा कर ही नहीं रहे। जिया, क्या लेना था तुमको? मेरा पैसा दो आप। क्यों देंगे पैसा हम? क्यों नहीं दोगे? मेरा पैसा झगड़ा किया तुम्हारा पैसा कुछ लिए ही नहीं है, क्यों देंगे? मेरा पैसा है। उसे फर्जी का आप दिए थे, ये बात अलग है, वो मेरा पॉकेट मनी है, तो मेरा हुआ, अब आप दो। ले लो, तुम डैडी को जाके ले लो ना, फोन तो तुम्हारे ही हाथ में रहता है, गूगल पे फोन पे कर लो। उसका पिन कोड चेंज कर दो। जी, आज है टीचर्स डे और हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। हैप्पी टीचर्स डे। जी, आज शिक्षक दिवस के दिन क्या कहे जी, मिस कर रहे हैं स्कूल के दिन। हमें ध्यान है जब भी स्कूल में हम लोग जाते थे, हम लोग अपना पैसा इकट्ठा करके स्कूल में एकदम सजाते थे क्लासरूम सब। हम भी सारे बच्चे, जैसे 4th class के बच्चे हैं, तो 4th class के बच्चे अपना पैसा जमा करेंगे, और हमेशा कंपटीशन रहता था कि ना 5th class का जो बच्चा उससे हम अच्छा करेंगे, और बहुत सारा सोचते थे उन लोग 500 रुपया पैसा जमा कर रहा है एक पे, अच्छा। हम लोग 600 करेंगे और उन लोग से अच्छा करेंगे। और सजावट करते थे, केक लेके आते थे, केक काटते थे, खूब सारा इंजॉय करते, मतलब साल भर में जो सबसे ज्यादा हम इंजॉय करते थे वो टीचर्स डे, क्योंकि उस दिन ना बहुत मजा आता। और टीचर्स डे के दिन जब क्या होता था कि सबको एक क्लास में सजा रहा होता था अपना बैलून और वो रिबन सब जो भी होता था, हम रिबन लेकर के क्या करते थे, सबके पीछे पूंछ लगाते थे। क्या हुआ था, एक बार क्लास का शायद एक बार 5-6 लड़का को एक साथ हम पूंछ लगा दिए थे, तो सबको जो है हमको ध्यान है, एक के पीछे से हम बैलून भी लगा दिए, मतलब हवा में जो है लहर रहा था बैलून, तो वो जो बैलून को बार बार ऐसे पीछे कर रहा है, कहां से उड़ के आया है ये। बस उसके बाद जब बार बार हटाया तब देखा कि अब नहीं हट रहा है, क्या दिक्कत है, तब वही पीछे देखता है तो बैलून लगा हुआ है। ये बॉय, सच में मजेदार दिन थे, क्या थे वो बचपन के दिन, अभी याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। हाँ जी, और दूसरी बात, आज है टीचर्स डे, तो आज के दिन सोचा कि अपने शिक्षकों से भी बात करते हैं, तो अपने शिक्षकों में किससे बात किए थे आज, हम दो शिक्षक से बात किए थे, जो भी सबसे पहली शिक्षक होती है, कौन होती है सबसे पहली शिक्षक? जी, हमारी माँ। मेरी माँ का प्रोफेशन भी टीचर का है, तो मम्मी का प्रमोशन हो गया है, तो अब वो सेकेंड रैंक की ऑफिसर है, लेकिन एक माँ खुद अपने आप में शिक्षिका है, चाहे उनका प्रोफेशन हो या नहीं हो। तो सबसे पहले हम माँ से बात किए, और माँ से बात करने के बाद एक हमारी यूट्यूब फैमिली के ही मेंबर है, वो अपने स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनसे अच्छी खासी बातचीत होती है हम लोगों की, तो आज उनको भी कॉल किया, तो आपको एक ही करके वो सारी कॉल दिखाते हैं, तो पहले माँ का दिखाते हैं, फिर सचिन भाई का दिखाते हैं। हैप्पी टीचर्स डे दीदी। माँ प्रणाम। हम सोचे कि आज टीचर्स डे है तो फोन करके एक बार शुभकामना दे देते हैं टीचर्स डे का। क्या हम शिक्षक थे यहाँ पर आज तक पहुँचते हैं? हाँ। तो मायने रखता, हम सारे लोग शिक्षक ही थे, सीनियर जूनियर का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, सौभाग्य की बात है यहाँ पहुँच गए। और आज टीचर्स डे मास्टर जी, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच जी, बातचीत तो काफी अच्छी खासी हुई थी। क्या हुआ, बात करने में इतना खो गए कि वीडियो रिकॉर्डिंग ही करना भूल गए। एक जगह तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना भूल गए, और एक जगह क्या हो गया,
नेटवर्क ही नेटवर्क ही सही नहीं था, नहीं बन पाया वीडियो अच्छे से। तो यही जो उस छोटा सा क्लिप था आपको दिखा दिया उस बातचीत का थोड़ा सा पार्ट, जहाँ भी थोड़ा सा लगा कि आवाज साफ है। तुम खाना कब लगाएगी बता, भूख लगी है इतना तेज। आप बोलोगे तब ना लगाएंगे, तब से तो बात कर रहे हो आप। बात क्या कर रहे हैं, लगाओ खाना। तुम चलो 2 hours later अच्छा जिया आज तुम बताओ कि मेरे में क्या तुमको अच्छा आदत लगता है, क्या खराब आदत लगता है, फिर हम भी पूछेंगे तुमसे। अच्छा वाह, कैमरा ऑन करके पूछोगे आप। तो हम बताते हैं आपके बारे में। मुझे सबसे ज्यादा मेरे पति देव के अंदर ये लगता है, ये मत पहनो, वो मत करो, जो करना है करो, जैसे रहना है रहो, कोई रोक टोक नहीं है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। और सबसे बुरी बात क्या है वो मैं बताऊं, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, गुस्से बहुत ज्यादा है, सोचते नहीं है कभी, ये मुझे सबसे ज्यादा खराब लगता है। जी हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करते थे, बिल्कुल ये झूठ बात है और ये मुझको बदनाम करने की साजिश है। अभी पतिदेव से जानते हैं कि उनको हमारे में सबसे अच्छा क्या लगता है और सबसे खराब क्या लगता है। जी सबसे अच्छी आदत ये है कि ये केयरिंग बहुत है, बहुत केयर करती है दूसरों का। अच्छा, और लेकिन जो सबसे खराब की आदत है, दूसरों का तो केयर करती है, जब अपना मामला हो, जब बुखार हो, कोई दवा समय पर लेना है, कोई चीज समय पर खाना है, पानी रेगुलर पीना है, वो नहीं करना है। जो चीज दूसरों के लिए अच्छा है वो इसके अपने लिए खराब है। हमारे रूम का हो चुका है, क्या हुआ है जी? हमारे रूम का पंखा हो गया है खराब। हाँ। सारा खराब लगता तुम की है? सारा हम ही करते हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। अब गर्मी में हालत खराब है, पंखा का जुगाड़ करो, क्या करना है। वैसे आप टेकले दिख रहे हो बहुत प्यारे प्यारे, बहुत बढ़िया। आपका ऐसा क्या धरा है, क्या किए हो पंखा में कि हम रूम में चैन से भी नहीं रह पाए, ये सोचते हो आप? सारा साजिश तुम्हारा है। मेरा नहीं, सारा साजिश आपका है, चल गया। तुम्हारी साजिश को हम सफल नहीं होने दिए। हाँ। और पंखा चला दिए, बहुत बढ़िया। ये साजिश था ना, रूम में रहता है दिन भर, इसको बाहर भगाना है। आप में से बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि एसी नहीं है क्या घर में, पंखा के बारे में बात करें, तो जी एसी नहीं है हमारे घर में। नहीं, हम लोग के घर में सिर्फ पंखा है और एक स्टैंड फैन है ना। हाँ, और ये तौलिया यहाँ क्या कर रहा है? भींगा हुआ तौलिया, आपका आदत होता है कि भींगा हुआ तौलिया बेड पे रख देते हो। बिल्कुल घर का ख्याल नहीं रख रही है, सिर्फ आपका ये काम है, क्योंकि आप लेट से स्नान करते हो और अभी आप इतने प्यारे हस्बैंड हो कि पूछो मत। हाँ चलो, आप हमको काम करने दो जी। आज झालमुड़ी बनाओ, झालमुड़ी खाने का मन है। हमसे अच्छा तो आप बनाती हो, आपके हाथ का हमको बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज। हमको उधर काम है, हमको उधर काम है, हम नहीं बना सकते, बहुत दिन से नहीं खाए। और साथ में आप मिक्सचर भी लेते हो मार्केट से, क्योंकि मिक्सचर हो चुका है खत्म। यही खाली भागा दौड़ी वाला काम, शुरू में तो बोलती नहीं है, तो मार्केट जाते हैं तो उस टाइम एक ही बार में सारा सामान ले आए, अलग अलग करके बताएगी, फिर अलग अलग जाना पड़ेगा हमको, खाली परेशान कर दी है। बोलने क्या दोगे तुम, एक बार में नहीं बता सकती है कि क्या क्या सामान लेना है। हमको क्या पता था, झालमुड़ी खाओगे, जाओ जल्दी से। जिस रास्ते का हाल देखिए क्या है, जब भी बारिश होती है यहाँ पर यही हाल होता है, और जब इसको क्रॉस करना होता है इसी तरह जैसे लगता है एडवेंचर वाली फीलिंग आती है। वो बगल में पत्थर लगा दिया जाता है, उसी पत्थर पर चढ़ के आते हैं। तो आज फिर मेरे पतिदेव आपको किचन में दिखाई देंगे, तो आप क्या कर रहे हो पतिदेव? प्याज काट रहे हैं, झालमुड़ी बनाने की तैयारी चल रही है। वाह, कह रहे देसी को बना देने का। हाँ। नहीं, आप ही के हाथ का खाना है, तो कहेंगे चलो भाई खाओ। पतिदेव, इसका ये डालमोट उठा करके लाए हैं, एक वीडियो में हम बताए थे कि इसको डालमोट अच्छा लगता है, यही डालमोट है जी। बहुत ज्यादा पसंद है, थैंक यू पतिदेव। पतिदेव होता आपके जैसा, बहुत बढ़िया। सारा मस्का मारो ना, जितना मस्का। सच में बहुत अच्छे पतिदेव है, सामने से उतने क्यूट नहीं है लेकिन दिल से बहुत ज्यादा है, क्लीन, बहुत ही बढ़िया। तो अभी चल रही है पतिदेव की क्या, तो पता है आप प्याज भी बहुत ज्यादा ऐसे बारीक काटते हो। अच्छा, कहाँ से ट्रेनिंग ली आपने?
सारे तो नहीं, घर में हम ही झालमुड़ी हमेशा बनाते थे। इसलिए हम सोच रहे हैं क्या एक झालमुड़ी का स्टॉल खोल लें, बहुत चलेगा लेकिन। अच्छा, आनंद कुंज के बाहर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। क्या हुआ था, माँ बता रही थी, माँ जब स्कूल जाती थी ना, ये और मोनू दोनों क्या करते थे, घर से जितना भी मुढ़ी होता था, मुढ़ी को क्या कहते हैं, और कोई लाई बोलता है, कोई दाना बोलता है, कोई मुरमुरे बोलता है। हाँ वही, क्या करते थे, सारा डब्बा निकाल लेते थे बड़ा वाला, और गेट के सामने बैठ जाते थे, बोलते थे झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी ले लो। और जब तक माँ स्कूल से आती थी, जितना भी मुढ़ी रहता, सब जाने वाले को, रोड पे जितने भी रहते थे, सबको दे देते थे। बहुत बढ़िया, हमको भी ये कहानी याद नहीं था। हमको माँ बताई। चलो अच्छा है, मिर्ची भी कट चुका है, जल्दी से आप बर्तन दो, बताओ क्या क्या करना है। तो ये झालमुड़ी बनाने के लिए करना क्या, ये देखिए हमने थोड़ा मुरही ले लिया है। अब मुरही में जो है थोड़ा सा, अगर आपके पास ये चना है फ्राई किया हुआ, तो इसको डाल लीजिए। फिर उसके बाद देखिए बगल में प्याज कटा हुआ है, मिर्च है, नमक है, प्याज और मिर्च दोनों डाल देंगे। थोड़ा सा ये नमक गिरा देंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, ये है सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद थोड़ा सा नमकीन हम डाल देंगे, रहा जी नमकीन। हो गया हो गया हो गया, कितना ज्यादा डालोगे जी। अब मिर्ची तो पकड़ के डाल दियो, जितना ज्यादा मिक्सर रहेगा, जितना ज्यादा मिर्ची प्याज रहेगा, उतना ज्यादा मजा आएगा खाने में। क्योंकि तो, इसलिए आप ज्यादा डालें क्योंकि आप ज्यादा खा पाओ और हम कम खा पाए। अच्छा, क्योंकि हम मिर्ची वाला ज्यादा नहीं खा पाते, खाने का आदत बनाओ, जितना मिर्च खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है नींबू, और नींबू को भी थोड़ा सा गाड़ देते हैं और थोड़ा चटपटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन इसको जल्दी खाना पड़ेगा, नहीं तो मुरही जो है खराब हो जाएगा फिर झालमुड़ी, और उतना क्रंची नहीं रहेगा फिर ये। तो ये जी हमारा झालमुड़ी, बस इसको मिला दीजिए। बहुत लोग इसमें आलू डाल देते हैं, और हाँ वो उबला हुआ आलू डालते हैं, टमाटर डालते हैं, टमाटर हम लोग ऐसा ही खाते हैं। हम लोग जी बस इतना सिंपल खाते हैं। और अगर आपके पास स्प्राउट है जिसमें चना है, मूंग है, हाँ, वो तो डाल दीजिए मिला करके। बहुत लोग खीरा भी डालते हैं इसके अंदर, तो आपके ऊपर आप क्या क्या डालना चाहते हैं। बहुत लोग मूली भी डालते हैं इसके ऊपर जी। तो ये हमारा झालमुड़ी तैयार है, तो आप खाने चलते हैं। हम भी जाते हैं जल्दी, नहीं तो सारा खत्म कर देंगे। ये देखिए मेरे चेहरे में अब पूरा लिपाई पुताई का काम चल रहा है। तो जी बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आप, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।